बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? ओके। आज हम उर्दू की दूसरी किताब का सबक नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, ओपन योर बुक्स। जी, पेज नंबर 5, ओपन पेज नंबर 5, सबक नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 2, नात। नात किसको कहते हैं? नात ऐसी नज़म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की गई हो। तो सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं। जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के प्यारा, एक एक हर्फ जिस पर कुरान का उतारा। जिसको खुदा ने भेजा अपना बना के प्यारा, एक एक हर्फ जिस पे कुरान का उतारा। उतारा का मतलब होता है नाजिल किया, यानी कि अल्लाह ताला ने जिसको अपना प्यारा बना के दुनिया में भेजा, जिस पे कुरान उतारा, वो कौन सी हस्ती है, वो कौन सी ज़ात है? वो ज़ात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है, जिनको अल्लाह ताला ने अपना प्यारा, अपना महबूब बना के दुनिया पे भेजा और कुरान पाक उन पे नाजिल किया। जिसने हमारी दुनिया और दी को संवारा, जिसने हमारी दुनिया और दी को संवारा, वो है नबी हमारा, वो है नबी हमारा। यानी जिस शख्स ने हमारी दीन और दुनिया को दुरुस्त किया, हमें अच्छे और बुरे की तमीज़ सिखाई, वो कौन है? वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि आपके आने से पहले दुनिया में जहालत का बहुत अंधेरा था, आपने आके दुनिया को हकीकी रोशनी से आगाह किया। जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना, जिसने हमें सिखाया नेकी की राह पे चलना, बचना बुराइयों से सच्चाइयों में ढलना। यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस वो ज़ात है जिसने हमें समझाया कि एक नेकी की राह पे चलें और बुराइयों से बच के रहें, बुराइयों से दूर रहें और सच बोलें और नेकी की दूसरों को भी तलकीन करें। नामे खुदा पे जिसने हर एक को पुकारा, यानी अल्लाह ताला के नाम पे जिसने हर एक को पुकारा, वो है नबी हमारा, वो है नबी हमारा। यानी अल्लाह ताला के नाम पे अल्लाह ताला के दीन की तबलीग तमाम नबियों ने की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के दीन को फैलाया। सबसे आखिरी जो मज़हब है दुनिया पे वो इस्लाम है और हमारे आखिरी नबी भी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जिन्होंने दीन को कम्प्लीट किया। सो स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर के लिए नेक्स्ट वीडियो देखिए।